हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आई होप कि आपको पता होनी ही चाहिए। और क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो कोविड-19 के कारण पूरे देश में जो है 144 धारा लागू किया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि जो आपका 144 धारा है ये आईपीसी के तहत आता है या फिर सीआरपीसी के तहत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आईपीसी लो है या फिर सीआरपीसी लो। तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने पहले आपके लिए 22 से 25 मिनट की एक वीडियो अपलोड किया था सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी बातें बहुत ही डिटेल्स में बताया था कि आपकी सिलेबस क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, मतलब आपको तैयारी कैसे करना है और किस स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना है, ठीक है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको इसी वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी टाइम टेबल से रिलेटेड। वैसे तो हम क्लासेस आपकी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके अभी भी कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर क्लासेस जो है उनकी टाइमिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको बता दें टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे आपको जो है मतलब आपके देश, आपके राज्य, आपके गाँव, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स से इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सुबह 10:30 पर, यानी कि 10:30 आपका आएगा हिंदी की क्लासेस, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होगी वो होगी रीजनिंग की, जो कि 1:30 यानी कि 1:30 पर आएगी। और नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, जी हाँ फ्रेंड्स, 3:30 यानी कि 3:30 पर आपकी आईपीसी प्लस सीआरपीसी की क्लासेस आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेन इम्पोर्टेंट आपकी यही जो है टॉपिक है, सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जीके में आता है, जनरल अवेयरनेस में आपके लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चन आपके लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से और 16 क्वेश्चन आपके अदर जो जीके है उससे, प्लस उसमें करंट अफेयर्स भी रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आईपीसी प्लस सीआरपीसी पर करना होगा और हम उसे अच्छे से क्लियर करेंगे इस टॉपिक को, जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 वीडियोज प्रोवाइड भी कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आप बस अपना जो माइंड है, अपना जो मन है वो पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। आप ये मान कर चलो कि आपकी जो एक सीट है वो आपकी है और उससे कोई नहीं ले सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, 9:00 आपकी मैथ की क्लास आएगी, ठीक है, और पूरा हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ। अभी हमने फर्स्ट जो आपकी नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड हमने 4-5 अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जो भी पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो कि हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम रीजनिंग की, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ तो मतलब जो अदर्स एग्जाम में आते हैं वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी रीजनिंग जो है आपकी यूपीएसआई में टफ आती है, क्योंकि जो 2017 की भर्ती थी ना उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पता नहीं था कि आपके रीजनिंग में आउटपुट प्लस इनपुट यानी कि इनपुट प्लस आउटपुट भी आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी रीजनिंग में इनपुट प्लस आउटपुट जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसके भी मतलब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपका रीजनिंग है वो अदर्स एग्जाम से अलग आता है। क्या अलग आता है हम सारी बातें पढ़ेंगे, और जो ये आपका टॉपिक है ना इनपुट प्लस आउटपुट, तो हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो पसंद आती है तो आप
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और जो भी आपके भाई फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी जरूर शेयर करिए ताकि हमारे क्लासेस से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम और भी अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर सकें और लाइव भी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।